बिल्कुल आ गया है, लेकिन ये क्या वो नैनीताल के फेमस चूरन हर कोने में बसी है दोस्तों ये यार। तो चलिए दर्शन करके मैं भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज है सैटरडे का दिन और डेट है आज 21 अक्टूबर, और मैं जा रही थी अभी मंदिर की तरफ। हालांकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, घर में कुछ दिक्कत हो गई थी उसकी वजह से मुझे लेट हो गया है। हाँ जी, अदिति खुराना व्लॉग्स। तो देखिए मुझे मिला है यहाँ पे छोटू सा बच्चा। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ अपने पापा की दुकान से। कहाँ है आपकी दुकान? ओके, चलिए बाय। तो देखिए बच्चा मिल गया था यहाँ पे एक, और चलिए मंदिर चलते हैं, देखती हूँ कुछ वहाँ पे आरती शायद हो रही हो या नहीं हो रही हो, पता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलिए अनमोल को बुलाती हूँ मैं और चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं अमित जी को याद करके। तो मैं हूँ अभी देखिए तिब्बती मार्केट में, टिबेटन लाइन में, और अनमोल को बुला लिया है मैंने। तो फटाफट निकल रही हूँ, मुझे लग रहा है शायद आरती हो चुकी है, काफ़ी भीड़ है इधर, और आज भीड़ भी काफ़ी दिखाई दे रही है वैसे भी, क्योंकि आज जाम भी लगा हुआ था दिन में काफ़ी सारा। तो मुझे लगता है कि आज शायद भीड़ बढ़ गई है, और आप देख सकते हैं मंदिर के आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग आरती अटेंड करके भी आ रहे होंगे शायद, इसलिए भी भीड़ हो रही होगी। तो आज की आरती शायद मुझसे मिस हो गई है, अगर हो गई होगी तो फिर कल की रखेंगे, कल दिखाऊंगी आपको आरती। तो चलिए अंदर जाके ट्राई करती हूँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ही दिख रही है, और इधर बट रहा है प्रसाद हलवा। तो ये आरती के बाद ही वितरित होता है, तो मुझे लगता है आरती हो ही चुकी है। अनमोल के लिए रुकती हूँ, वेट करती हूँ, फिर चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों मंदिर के मुख्य गेट पे मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन अनमोल अभी तक नहीं पहुँचा है। एज़ यूजुअल वो ढीला ढाला ही रहता है, और अभी शायद दुकान बढ़ा के आएगा तो मुझे ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा। अनमोल आ गया है, लेकिन ये क्या बोलूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं गाली खाता हूँ, गाली के काम है। हाँ, इसका काम वही है, अमित जी इसको गाली देते थे, डांटते थे, तब ये काम करता था, और अभी फ़िलहाल मुझसे डांट खाता है। तो इसने मुझसे बोला था दुकान बढ़ा के आ रहा हूँ, लेकिन दुकान बढ़ा के नहीं आया है और मुझे इतना वेट करवाया है। तो आरती तो ख़त्म हो चुकी है मंदिर में, फिलहाल देखते हैं जो भी मिलता है आप लोगों को दिखाते हैं। और मंदिर में आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं। आज मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा सजा हुआ है, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है, भीड़ भीड़ बहुत सारी है। बस अमित जी की कमी है शहर में और हर चीज़ में। तो चलिए उनका साथ हमेशा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, चलते हैं आगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ को चीरते हुए शायद जाना पड़ेगा, तो अनमोल के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि वो दुर्गा पूजा का सदस्य भी है शायद। तो चलिए, तो दोस्तों आरती थोड़ी बहुत चल रही है, चलिए उसी को एंजॉय करते हैं। संपन्न हो चुकी है, और देखिए काफ़ी भीड़ थी, और बहुत से लोग आरती करना चाहते हैं, तो सब लोग आरती एंजॉय कर रहे थे पूरे भक्ति भाव के साथ। तो चलिए दर्शन करके मैं अभी चलती हूँ बाहर की तरफ। तो दोस्तों मंदिर से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इधर देखिए यहाँ पे मिलते हैं नैनीताल के फेमस चूरन,
तो मंदिर से बाहर निकलते ही आप बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे चूरन खरीद सकते हैं, जो कि नैनीताल के बड़े ही फेमस पुराने चूरन रहे हैं और बचपन से हम लोग इनके चूरन खाते आए हैं, तो बहुत अच्छे इसीलिए कर रही हूँ। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग बचपन से चूरन खाते थे। तो आप भी जब भी नैनीताल आएँ तो मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे शॉप है इनकी चूरन की, तो यहाँ पे ज़रूर चूरन खाइएगा और टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और घर भी लेके जाइएगा। तो देखिए वो बोल रहे हैं कि शाजी की याद आ गई, तो जैसा कि मैं बोलती हूँ अमित जी की याद नैनीताल के हर कोने में बसी है, तो हम भी हर टाइम याद करते रहते हैं। इधर मिल गई हैं भाभी अपनी नई जैकेट के साथ। नहीं पुरानी हो गई है। नहीं आपने मतलब मेरे व्यूअर्स ने शायद आज ही देखी होगी। आपने भी आज ही देखी थी। हाँ आप आज मेरी जैकेट को देखो, बताओ उसके बारे में कुछ कमेंट करें। तो ये देखें ये पानी में डूब के आई हैं अभी, इसलिए इनकी जैकेट थोड़ा गीली गीली लग रही है। नहीं पहनू ना, ये पूछना था। नहीं नहीं पहनो, अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं अपनी पसंद की चीज़ करनी चाहिए वैसे भी, तो लगा के आई हूँ ठीक से मालिश करके। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ और वीडियो शूट करते करते ही जाएंगे, तो चलते हैं। मंदिर के बाद गुरुद्वारे के दर्शन, जैसा कि मुझसे कहा था किसी ने कि गुरुद्वारा रोज़ दिखा दिया कीजिए, तो मुझे जब जब मौका मिलता है तो मैं गुरुद्वारा दिखा देती हूँ। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ पे आजकल रोज़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो शायद दिन में होते हैं या शाम को होते हैं। आज तो मैं वैसे भी लेट हो गई थी तो मैं कुछ भी नहीं देख पाई। और ये देखे प्रसाद की बर्बादी ऐसी करी हुई है लोगों ने, तो मुझे लगता है कि अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत लीजिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे देखिए छोड़ के चले गए हैं बर्बादी करके, तो ये बड़ी गलत बात है। वहाँ तक पूरा प्रसाद ही प्रसाद बिखरा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रही थी कि बाहर से मिल रहा है लेकिन लोगों ने ऐसी बर्बादी कर रखी है। तो अनमोल आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? थोड़ा सा एक कटोरी में ले सकते हैं सब लोग, उसमें नहीं खाना है तो मत लो, लेकिन ऐसे प्रसाद को वेस्ट करना तो बहुत बुरी बात है। तो ये मुझे भाभी ने दिखाया अभी, चलिए अनाज भी बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। प्रसाद है वाकई में, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रसाद नहीं खाना है तो प्लीज मत लीजिए, लेकिन ऐसे बर्बाद मत कीजिए, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आगे फंड मार्केट वाली साइड में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा भीड़ है, आज टूरिस्ट ज़्यादा है नैनीताल में क्योंकि अभी दशहरे की छुट्टियाँ हो चुकी हैं लोगों की, तो लोग आ चुके हैं नैनीताल घूमने के लिए। तो मुझे लगता है कि भीड़ अब शायद कल और ज़्यादा होगी, तो आज तो फ़िलहाल ऐसी ही भीड़ है। तो कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिन में आ जाऊँगी एक बार और दिन में शूट करूँगी थोड़ा सा, ताकि यहाँ की रियल जो स्थिति है दिन की वो भी दिखा सकूँ आप लोगों को। तो इस साइड चल रहा है मेला जहाँ पे हम लोग आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पे इतना अच्छा हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ से निकलेंगे पन पाक वाली साइड और सामने है बैंड हाउस। तो भाभी और अनमोल गप्पे मारते हुए चल रहे हैं, चलिए मैं भी चलती रहती हूँ। सामने लेक का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शंस के साथ और इस साइड अच्छी खासी भीड़ है, तो थोड़ा सा इधर की तरफ भी चलते हैं मॉल रोड की स्टार्टिंग में, वहाँ भी देखते हैं कैसी भीड़ हो रही है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मॉल रोड की स्टार्टिंग में, तो अभी क्योंकि 8:30 होने वाला है तो रोड खुल चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। दिन में यहाँ पर बहुत जाम लगा हुआ था ऐसा मैंने ऊपर से देखा था और पता भी चला था मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन मॉल रोड में काफ़ी भीड़ है। तो मॉल रोड कल जाएंगे, कल आपको मॉल रोड दिखाऊंगी, फ़िलहाल अभी चलती हूँ मैं मार्केट की तरफ और फिर करूँगी वीडियो को एंड। तो चलिए फिर आज का वीडियो एंड कर देते हैं। अनमोल पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है, वो हमको ऐसी उंगली दिखा के गायब हो गया, पता नहीं वो कौन सी मैगी बनाने गया है 2 मिनट वाली। तो फिलहाल हम कर देते हैं वीडियो को एंड क्योंकि अब हम घर ही जा रहे हैं, तो अब हम गप्पे मारेंगे इसलिए हम वीडियो एंड फिर हम भूल भी जाते हैं वीडियो एंड करना, मार्केट से होते हुए जाते हैं और इतनी सारी बातें होती हैं कि हम लोग भूल जाते हैं वीडियो एंड। और एक बात, हाँ मेरी जैकेट जितनी वीडियो में चमक रही ना असली उतनी चमक रही। तो चलिए दोस्तों ठीक है, वीडियो को कर देते हैं एंड और हमेशा की तरह वही बोलेंगे अभी खाया ना आप लोगों को, कैसे लोगों ने खाना वेस्ट करा था और एक तरह से
जो कूड़ा था उसका ऐसे हर कहीं फेंका हुआ था, तो नहीं करना चाहिए ये सब। तो कूड़े को कहीं भी मत फेंके प्लीज, कूड़ेदान में ही डालिए। आप लोग भी अगर किसी को फेंकते हुए देखते हैं तो रोके उसे, जैसे हम तो मैं देखती हूँ, मैं रोकती हूँ, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई भी, चाहे वो हम कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के भी जाए, हम रोक देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा शहर जो है और हमारा आसपास जो है वो साफ सुथरा रहे। तो इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए रोज ये बोलते हैं आप लोगों से कि कूड़े को कूड़ेदान में डालिए, इधर उधर ना फैलाएं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड, और कल मिलते हैं। कोशिश रहेगी कि कल दिन में भी थोड़ा बहुत शूट कर सकूं। चलिए।